नमस्कार और स्वागत है हम कक्षा पुंड्री के यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो छर्ड चैप्टर है क्लास टेन प्लस टू मैथमेटिक्स का मेट्रिसज तो व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरह कि जो टॉपिक थे वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे आज हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हाउ टू एड टू मैट्रिसिस और हाउ टू सब्ट्रैक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कन्फर्मेबलिटी करेंगे तो हम कि कन्फर्मेबल कन्फर्मेबल मीन्ज वेन इज इट पॉसिबल टू एड एनी टू मैट्रिस और इज दे आर दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मेट्रिस तो कन्फर्मेबल ओनली इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिस इज सेम मैट्रिसिस इज सेम आप केवल उन्हीं मैट्रिसिस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका जो ऑर्डर है वो सेम है ए वन वन सब्ट्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन बोथ केसेस इफ स्लेट से दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन टू टू रोज एंड वन टू थ्री थ्री कॉलम्स तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं वही मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू क्रॉस थ्री हो केवल तभी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत कन्फर्मेबल या पॉसिबल हैं जब इनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि ए वन वन एलिमेंट ए वन वन एलिमेंट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो ए वन टू एलिमेंट है वो ए वन टू में होगा ए वन थ्री ए वन थ्री में होगा सेम वे जो ये ए टू वन है वो ए टू वन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें और ए टू टू ए टू टू में कर दें और ए टू थ्री जो है वो ए टू थ्री में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो करेंगे तो इस तरह से दैट इज़ वाई कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ कन्फर्मेबल ओनलीफर इज ऑफ द इज सेम कि क्योंकि मान लिया कि इसमें कहाँ इसका ऑर्डर अलग हो जाए इसमें यहाँ एलिमेंट हो जाए तो इसका अभी तो टू क्रॉस थ्री था अब ये थ्री क्रॉस थ्री हो गया तो इस एलिमेंट में इधर एडिशन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है तो एडिशन जो है वो नहीं हो पाएगी हम नहीं कर पाएंगे तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर कन्फर्मेबल ओनली इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मेट्रिस इज सेम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन पर जो एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन वाले एलिमेंट के साथ या सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये बड़ा सिंपल है ए आई जे विल बी एडिड और सब्ट्रेक्टेड टू द एलिमेंट ए आई जे थी सेकेंड है इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एमेट्रिक्स वट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स के टाइम्स ए वेयर ए इज एनी मेट्रिक्स इफ ए इज से वन टू थ्री थ्री जीरो टू जीरो थ्री देन वट विल बी थ्री एज इसको हम बोलेंगे स्केल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है या यू कहेंगे कि थ्री टाइम्स ए ए का तीन गुणा क्या होगा जैसे मैथमेटिकली हम गुणा करते हैं कि दो को तीन से गुणा करें छ हो गया जी तो ये ए, एक तरह से तीन गुणा हुआ दो का तो ये एक मैट्रिक्स में इस तरह से गुणा कैसे होगा कि ए यदि ये मैट्रिक्स है तो इसका तीन गुणा क्या होगा तो ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई थ्री बड़ा सिंपल है कि एलिमेंट का मैट्रिक्स uh, का हर एक एलिमेंट आप तीन से मल्टीप्लाई कर दें देन दिस मैट्रिक्स इज थ्री टाइम्स ए के नीचे वाला जो मैट्रिक्स है ऊपर वाले मैट्रिक्स का तीन गुणा है तो ये दो ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरी है स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो आपकी जो एक्सरसाइज है थ्री पॉइंट टू उसमें इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लीकेशन भी है सिंपली मल्टीप्लीकेशन यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो अलग से टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है तो वो थोड़ा लेंथी भी है तो जो ये थ्री पॉइंट टू एक्सरसाइज है उसमें आपका मल्टीप्लीकेशन भी है तो मल्टीप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसमें केवल हम ये दो चीज़ों दो जो ऑपरेशन हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन इनसे जो रिलीवेंट क्वेश्चन उसने एक्सरसाइज में बनाए हैं वो कुछ मैंने लिखे हैं कुछ एक दो और भी हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से और स्केलर मल्टीप्लीकेशन से तो अभी हमने देखा तो 3.2 तो एडिशन के करते हैं पहले ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पहले वाले ये सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं जैसे 3.2 पॉइंट टू सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पा सेकेंड पार्ट है ये दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स विल बी वट तो ये कहता है इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स है ए स्केयर प्लस बी स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए स्केयर प्लस सी स्केयर एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो यदि आप इसका ऑर्डर देखें तो इसमें वन टू तो टू रोस वन टू टू कॉलम टू क्रोस टू का है इसमें ऐड करना है टू ए बी टू बी सी टू ए बी टू बी सी माइनस टू ए सी और माइनस टू ए बी तो इसको भी यदि आप देखेंगे तो इसमें भी टू रोस एंड टू कॉलोन् तो दो रो और दो कॉलम ही है इसमें भी तो बिकॉज ऑर्डर इज सेम सो टू दो मेटीज टू मेट्रीसीज कैन बी एडिड आप इनको ऐड कर सकते हैं बट विल बी द एडिशन ए वन वन विल बी एडिड टू ए वन वन सो इट विल बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये तो एलिमेंट ये हुआ प्लस में टू ए बी तो ये इन दोनों का एडिशन हुआ ए वन टू में ए वन टू एड करेंगे बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू बी सी उसके बाद ए टू वन में ए टू वन एड कर दें ए स्केयर प्लस सी स्क्र और माइनस टू ए सी इसमें ऐड हो गया जी और ए टू टू में ए टू टू ऐड करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी तो इनका एडिशन हुआ वैसे फर्दर को एल्जेबरिक जो आइडेंटिटी है वो आप एक याद आती हो तो आप इसको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्केयर इट इज़ बी प्लस सी होल स्केयर दिस इज ए माइनस सी होल स्केयर एंड इट इज़ ए माइनस बी ल स्केयर तो ये एक अलग है एडिशन से, से इसका कुछ नहीं है तो एक मैम ने इसको और जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि दिस कैन बी रिटर्न एज दिस तो सम क्लियर है कि ए वन वन में ए वन वन एंड सो वन तो सेम वे इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है कि एक मैट्रिक्स है ये को स्केर एक्स साइंसकेर एक्स साइंस स्केर एक्स को स्केर एक्स अगेन टू क्रोस टू प्लस इसमें ऐड करना है साइंस स्केर एक्स कोस स्केर एक्स कोस स्केर एक्स एंड साइंस केयर एक्स सो एडिशन विल बी अगेन ए वन वन विल बी एडिड टू ए वन वन तो को स्केयर एक्स प्लस साइंस केयर एक्स साइंस स्केर एक्स प्लस को स्केयर एक्स ए टू वन में ए टू वन ऐड करें साइंस केयर एक्स प्लस को स्केयर एक्स और को स्केर एक्स में साइंस केयर एक्स एड कर दें तो ये तो हो जाता है एडिशन की सिंपली कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो पोजीशन पे है कॉरस्पोंडिंग पोजीशन में वो ऐड कर देने हैं अब यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है मैट्रिक में हमने ये किया है ये आइडेंटिटी होती है को स्केर एक्स प्लस साइंस केयर एक्स इज इक्वल टू वन अगेन इट इज इक्वल टू वन ये भी वन और ये भी वन तो ये अलग बात है कि इसका आंसर आएगा वन 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 तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है हमारा फाइनल आंसर वो भी उसी ऑर्डर का आता है जिस ऑर्डर का जो है वो आपने मैट्रिक ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे माइनस उससे क्या होता माइनस करने का मतलब इसको आप माइनस कर देते माइनस टू ए इसको माइनस कर देते ये माइनस करना होता है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम ऑपरेशन होती है आपको पता ही है तो इस तरह से ये हमने सवाल किया एडिशन और एडिशन के दोनों एक और देखें जिसमें कि एडिशन जो है वो और सब्ट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व है कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसने क्वेश्चन बनाया है ये और एक तरह की ये इक्वेशन भी है लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं कि टू एक्स प्लस वाई जो है टू एक्स प्लस थ्री वाई एक मैट्रिक्स है टू थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर एंड अगेन थ्री एक्स प्लस टू वाई अगेन इट इज ए मैट्रिक्स टू माइनस टू माइनस वन फाइव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कई बार आता है तो हम इनको इक्वेशन में मान लेते हैं तो व्हाट विल बी द मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई क्योंकि इधर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसका मतलब ये एक्स और वाई भी कोई मैट्रिक हैं तो क्या होंगे ये तो जैसे आपने मैट्रिक्स में इक्वेशन सोल्व की होंगी कि इनको बराबर करें या तो एक्स को या वाई को तो इसमें एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशन जो इन्वॉल्व होंगी तो जैसे आप एक्स को इक्वल करना चाहें तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई थ्री एंड टू बाई टू तो वी विल गेट अप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई थ्री थ्री इंटू टू सिक्स एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन वाई इज इक्वल टू अब इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने अभी किया था क्या करना होता है के कि, कि जो ए है उसको के से मल्टीप्लाई यानी सभी एलिमेंट को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको भी थ्री से करेंगे तो ये बनेगा थ्री इंटू टू थ्री इंटू थ्री थ्री ट्वेल्व जी ठीक है जी इनको हमने पूरी इक्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई किया है तो ये तीन से कर दिया ये भी तीन से कर दिया अब ये क्योंकि मैट्रिक्स है और इसको तीन से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब सारे एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो गया एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय टू बाई टू इसको दो से मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स टू इंटू टू फोर वाई तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू इंटू टू फोर माइनस फोर माइनस टू एंड टेन और अब जैसे इक्वेशन करते थे हम तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस तो ये आपके कैंसल हो जाते हैं व्हाट विल वी गेट नाइन वाई माइनस फोर वाई फाइव वाई इज इक्वल टू इधर इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी आपको क्या करना है सिक्स नाइन थ्री ट्वेल्व ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये नीचे वाला फोर माइनस फोर माइनस टू एंड टेन अब तो फाइव वाई इज इक्वल टू फाइव वाई इज इक्वल टू तो सब्ट्रैक्शन भी क्या है कि कोरस्पोंडिंग ए वन वन में से ए वन वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिक्स में से फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे नाइन में से माइनस फोर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये थर्टीन इधर थ्री माइनस माइनस टू तो ये डबल माइनस हो गया तो ये भी प्लस टू हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव और ट्वेल्व माइनस टेन ये रह जाएगा टू टू जी तो ये हुआ आपका फाइव वाई जी अभी वाई नहीं आया तो वाई के लिए क्या करें तो इधर से फाइव जो है वो रिमूव करना है हटाना है आपको तो क्या करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन यूज होगा इसमें भी कि दोनों डिवाइड कर देते हैं बाई फाइव डिवाइडिंग बाई फाइव बोथ साइड्स सो वाई इज इक्वल टू अब इसको फाइव से डिवाइड करना है तो क्या कर सकते हैं हम फाइव से डिवाइड करने में कि ये सारे एलिमेंट फाइव से डिवाइड हो जाएंगे टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव फाइव बाई फाइव कि वन एंड टू बाई फाइव तो ये आपका वन हो जाएगा तो फाइनल आंसर एक तो यह आएगा टू बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव वन एंड टू बाई फाइव ये तो वैल्यू हुई वाई की अब पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई ओवर हीयर और हीयर कोई से एक में भी वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें बाहर टू है तो फिर टू से ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे दो तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा फिर उसको उधर ले जाएंगे उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे अभी हमने किया और बाद में ये थ्री एक्स की वैल्यू आएगी तो थ्री की वैल्यू निकाल एक्स की वैल्यू के लिए थ्री से फिर डिवाइड करेंगे तो उधर जाके तीन से इसी तरह डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका यानी चलिए कर लेते हैं हम इसको हमारे पास वैल्यू आई अभी वाई की तो पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू कह लेते हैं हम तो थ्री एक्स प्लस टू और वाई जो है वो हो गया हमारा टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव वन एंड टू बाई फाइव इज इक्वल टू इधर हो गया आपका ये टू माइनस टू माइनस वन एंड फाइव यानी जो इक्वेशन टू में रख रहे हैं आप वही पुट इक्वेशन वन में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ वाई हमने टू में पुट की है तो सिर्फ क्या किया है थ्री एक्स एज इट इज़ वाई की जगह जो वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो रखी है और इधर ये है अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्शन और स्केल और मल्टीप्लीकेशन दोनों आ जाएंगे दोबारा कैसी भला देखिए यहाँ ये दो से मल्टीप्लाई के लिए आ गया तो इसका मतलब दो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री एक्स प्लस तो ये हो जाएगा फोर बाई फाइव ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव टू और फोर बाई फाइव इज इक्वल टू इधर हो जाएगा टू माइनस टू माइनस वन एंड फाइव अब इस मैट्रिक्स को हम उधर ले जाते हैं सो थ्री एक्स विल बी इक्वल टू टू माइनस टू माइनस वन फाइव और इधर आके ये माइनस हो जाएगा फोर बाई फाइव ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव टू एंड फोर बाई फाइव तो देखिए सब्ट्रैक्शन फिर वही होगा क्या कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सब हो जाएंगे मतलब ए वन वन में से ए वन वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा थ्री एक्स इज इक्वल टू तो टू माइनस फोर बाई फाइव यानी टू में से ये माइनस फोर बाई फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये कर लेना है टू बाई फाइव बचेगा माइनस टू और माइनस ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव तो इन दोनों को भी एल्शियम लेके आप करेंगे तो ये आना चाहिए माइनस थर्टी सिक्स बाई फाइव माइनस वन माइनस टू तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर बाई फाइव तो ये हो जाएगा आपका माइनस नाइन बाई फाइव तो ये अभी भी एक्स नहीं आया ये थ्री एक्स आया है सो एक्स विल be एक्स विल be तो थ्री मल्टीप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई थ्री तो इस मैट्रिक्स को तीन से डिवाइड करेंगे मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली आवात है एक बटा तीन से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड का मतलब तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी तीन से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका टू बाई फिफ्टीन तीन से नीचे डिवाइड करेंगे ये तीन से डिवाइड करेंगे तो थर्टी सिक्स कट जाएगा ट्वेल्व पे थ्री से थ्री डिवाइड हो के माइनस वन बचेगा थ्री से डिवाइड करेंगे तो नाइन कैंसिल हो जाएगा और माइनस थ्री बाई फाइव तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये आपकी वाई की वैल्यू आई हुई है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सेवन्थ वाला नाइन्थ और ट्वेल्थ छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी इनमें भी स्केलर और मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है तो बड़े ईजी हैं दोनों ही देखते हैं नाइन्थ में है इसको पढ़ेंगे आप क्या कहते हैं ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है बाहर टू लिखा हुआ है तो टू इन टू इसका मतलब इसको दो से मल्टीप्लाई करना है प्लस ये मैट्रिक्स इसमें ऐड करना है और ये फिर इक्वल equal, इक्वलिटी हमने पिछले मैट्रिक्स में की थी पिछले वीडियो में की थी इक्वलिटी ऑफ मेट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन भी एलिमेंट बराबर होते हैं फिलहाल तो आपको क्या करना है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा टू सिक्स टू सिक्स जीरो टू एक्स ये तो हमने कर दिया टू से मल्टीप्लाई प्लस इसमें वाई ये ऐड कर लिया वाई जीरो वन टू ये ऐड करना अभी और ये कहता है ये किसके इक्वल इक्वल है इट टू तो आप इन दोनों को ऐड करें तो एडिशन का क्या प्रोसेस है किससे ए वन वन ए वन वन में ऐड हो जाएगा तो टू जो है वो वाई में ऐड हो जाएगा तो इसको आप लिखेंगे टू प्लस वाई सिक्स में ज़ीरो ऐड हो जाएगा तो ये सिक्स ही रहेगा इधर ज़ीरो में वन ऐड होगा तो ये वन ही होगा और इधर टू एक्स में टू ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका टू एक्स प्लस टू एंड इज इक्वल टू इधर लिखा हुआ है फाइव सिक्स वन एट तो इधर हमने इनको स्केलर मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स बना लिया ये दोनों इक्वल हैं अब ये भी टू क्रॉस टू का ये भी टू क्रॉस टू का इक्वल है तो क्या होगा कि जो ए वन वन वाला एलिमेंट है वो ए वन वन के बराबर होगा तो टू प्लस वाई जो है वो फाइव के इक्वल होगा टू आप इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई आ जाएगा थ्री और टू एक्स प्लस टू कितना होगा टू एक्स प्लस टू जो है वो एट के इक्वल होगा तो यहाँ से आपका टू एक्स तो आ जाएगा सिक्स और एक्स अगेन थ्री तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये भी थ्री और ये भी थ्री सिक्स सिक्स के इक्वल है वन वन के इक्वल है ही तो इट मीन ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा तो ये क्वेश्चन नाइन्थ था सेम एक ट्वेल्थ क्वेश्चन और दिया हुआ है उसमें भी है चाहिए यह कहता है इस मैट्रिक्स का थ्री टाइम्स यानी तीन गुणा और इन दोनों का जो जोड़ है वो इक्वल है व्हाट इज विल बी द वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो इधर आप इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई थ्री थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री डब्ल्यू और उधर इज इक्वल टू इधर इन दोनों को ऐड करना है तो एडिशन में क्या होगा जो x है वो फोर में बन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका x प्लस फोर इधर सिक्स जो है वो x प्लस वाई में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस सिक्स इसी तरह नीचे ए टू वन तो माइनस वन इसमें ऐड हो जाएगा z प्लस डब्ल्यू में z प्लस डब्ल्यू और टू डब्ल्यू जो है वो थ्री में ऐड हो जाएगा तो ये दोनों मैट्रिस आपके अब इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिस इक्वलिटी ऑफ मेट्रिस क्या बोलती है कि ये इसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा तो वहां से एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ जाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम सो थ्री एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस फोर ये एक्स आप इधर ले आएंगे तो टू एक्स इज इक्वल टू फोर सो एक्स इज इक्वल टू टू एक आंसर तो ये आ गया जी कि एक्स दो होना चाहिए सेम वे थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स क्या करें x हमने कैलकुलेट कर लिया टू है तो y इधर ले आई तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स का मतलब टू प्लस सिक्स वाई हम इधर ले आए थे तो टू वाई जो है वो एट हुआ तो y आ जाएगा आपका फोर अब ये थ्री जेड इज इक्वल टू इसमें जेड प्लस डब्ल्यू है यहाँ से नहीं आप सीधा कैलकुलेट कर पाएंगे पहले आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू टू डब्ल्यू प्लस थ्री यहां से टू डब्ल्यू इधर लाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो डब्ल्यू बचेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री और अब फाइनली जो जेड है वो आप जो ए टू वन है वो ए टू वन के इक्वल करेंगे थ्री जेड मस्ट भी इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होगा क्या जेड इधर ले आ जाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो टू जेड बचेंगे इधर है माइनस वन और डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू है थ्री तो इसका मतलब टू जेड इज इक्वल टू टू सो जेड इज इक्वल टू वन तो इस तरह से ये चार आंसर आ जाएंगे कि जेड वन X2 W3 और Y इक्वल टू फोर तो इस तरह से ही हमने एक्सरसाइज की है थ्री पॉइंट टू उसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है वो आज को आप आज करेंगे जो उसमें मल्टीप्लीकेशन है सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मेट्रिस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हैव ए नाइस डे